आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा भुर्जी, और ये देखिए बहुत ही टेस्टी अंडा भुर्जी बनकर तैयार हुई है। आप इसे सर्व कीजिए गरम गरम पराठे के साथ और ब्रेड के साथ। तो चलिए अंडा भुर्जी बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा भुर्जी। बहुत ही साधारण तरीके से बनाएंगे लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आइए देखते हैं अंडा भुर्जी बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अंडा भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 6 अंडे लिए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, और यह है लहसुन और अदरक बारीक कटे हुए, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और काली मिर्च का पाउडर आधा छोटी चम्मच। तो आइए अंडा भुर्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़े बाउल में ये जो अंडे हैं हम इन्हें तोड़ लेते हैं। इसी तरह से सभी अंडे तोड़ लेंगे। और अब इसे अच्छे से फेंट लेते हैं 5 मिनट तक। और ये देखिए अंडे को मैंने फेंट लिया है अच्छे से। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल भी गरम कर लिया है। और अब ऑयल में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भून लेंगे इसका कलर हल्का सुनहरा होने तक। और ये देखिए प्याज का कलर हल्का सुनहरा हो चुका है, ये देखिए। और अब इसमें डाल देते हैं लहसुन और अदरक, इसे भी भून लेंगे इसका कच्चापन खत्म होने तक। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चला लेंगे। और अब इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डाल देते हैं नमक, नमक को भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसे ढककर पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक, टमाटर सॉफ्ट होने तक। और ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और ये लाल मिर्च। सभी मसालों को मिला लेंगे अच्छे से। और मसालों को लगभग 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। और ये देखिए मसाले अच्छे से पक चुके हैं, ये देखिए। और अब हम इसमें ये जो अंडा हमने फेंट के रखा है इसे डाल देंगे धीरे धीरे करके। एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालेंगे, मिला लेंगे इसे। और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। बचा हुआ भी डाल देते हैं। और इसे लगातार चलाते रहेंगे 4 से 5 मिनट तक।
हमें इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये कढ़ाई के तले पर लग सकता है। और इसमें से अच्छी महक आना शुरू हो गई है और इसी तरह से इसे लगातार चलाते रहेंगे। और ये देखिए अंडा भुर्जी लगभग 90% तक पककर तैयार है और अब इसे और पका लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए और लगातार चलाते रहेंगे। और ये देखिए अंडा भुर्जी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी महक आ रही है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और ये लीजिए टेस्टी अंडा भुर्जी बनकर तैयार है, आप इसे सर्व कीजिए गरम गरम पराठे के साथ, ब्रेड के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।